Hello students, today we will discuss about information technology code 402 for class 9th part B vocational skills and their unit 4 electronic speed sheets and their session 2 working with data. आज हम लोग स्पीड शीट का सेकेंड सेशन वर्किंग विद डाटा के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट्स, फिलिंग रेंज एंड ऑटो इनपुट, एडिटिंग डाटा, कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस विद द डाटा, वर्किंग विद फार्मूलाज एंड फंक्शंस, फाइंड एंड रिप्लेस ऑपरेशन. इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही रखे हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ स्टार्ट. जब प्रीवियस सेशन में हम लोग इसमें का से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, अब एंटरिंग डाटा वर्कशीट, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्किंग विद डाटा करना है. वर्कशीट के अंदर हम डाटा को एंटर करने के बाद कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एनी टाइप ऑफ डाटा, डाटा हमारा दो टाइप्स होता है, एक आपका होता है न्यूमरिक और अल्फा न्यूमरिक. ठीक है, जो हमारा डेटा टाइप्स है न्यूमरिक है, अल्फा न्यूमरिक है, नॉन न्यूमरिक है और फार्मूला, इनका हम लोग यूज़ करते हैं टाइपिंग में. तो जो डाटा एंटर किया जाता है वो कहाँ करते हैं, सेल पर, क्योंकि सबसे पहला प्लस फर्स्ट प्लेस होता है हमारा वो होता है सेल. और इसको किसकी सहायता करते हैं, सेल पॉइंटर. सेल पॉइंटर होता है वो डिजायर्ड सेल में, जिस सेल में पोजीशन होता है वहाँ पर ये टाइप हो जाता है. ठीक है, तो नंबर्स और फार्मूला जो होते हैं ये क्या होते हैं, कलेक्ट क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ को कलेक्ट, और ये वैल्यूज़ किसमें यूज होती हैं, इन कैलकुलेशन में. द टाइप ऑफ द डाटा इन इन ऑफिस, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी काल्क, देयर आर द थ्री टाइप्स, नंबर्स, टेक्स्ट एंड फार्मूला. क्योंकि डिफॉल्ट्स में आपका क्या होता है, बाई डिफॉल्ट नंबर्स जो राइट अलाइनमेंट में इनका यूज़ होता है सेल में. नंबर्स का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, राइट साइड होता है. और टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, जो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और नंबर्स, नंबर्स क्या हैं, देयर आर द न्यूमरिक एंट्रीज. जो न्यूमरिक एंट्रीज होती हैं काल के अंदर वो नंबर्स होते हैं, 0 to 9. ठीक है, मैथमेटिकल अर्थ जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं, इनका यूज़ नंबर्स के साथ करते हैं. नाउ नेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट आपका ये टेक्स्ट के साथ जो टेक्स्ट एंट्रीज होती है, टेक्स्ट एंट्रीज में आपका जो एंट्री सिस्टम्स होता है वो टेक्स्ट में जो डिफरेंट टाइप्स की इसमें वैल्यूज ही रहती हैं उनका यूज़ करने के लिए. से यहाँ पर क्योंकि नाइदर नंबर और नॉट फार्मूला, इसमें टेक्स्ट में क्या होता है, जो एंट्रीज होती है ना तो नंबर होते हैं ना फार्मूला होते हैं, ये वर्कशीट में इनका यूज़ करते हैं. तो जो टेक्स्ट एंट्रीज होती हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, स्पेसेस एंड नॉन न्यूमरिक करेक्टर्स की होती है. ठीक है, जिसमें इस टाइप से ये आपका फंक्शन दे रखा है, आपका नंबर्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, और आपका नॉन न्यूमरिक नंबर भी कुछ होते हैं, बाइंड फ्यूर्स मल्स वगैरह उनका भी यूज है. ठीक है, फार्मूले में क्या यूज होता है, फार्मूला यूजेज में, फार्मूले में यूज करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारा इसको होता है ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सेल एड्रेसेस और आपका फंक्शंस होते हैं, उन नेम्स फंक्शंस होते हैं और आपका ऑपरेटर्स होते हैं, इनका सभी का प्रोडक्ट्स है या न्यू वैल्यूज़ है, इन सभी का यूज़ करके आता है. इसमें सेल रेंजेस, क्योंकि फार्मूला आपका विद इन द स्टार्ट इक्वल साइन की होता है, और ये कंटेंट क्या करता है, वैल्यू जो एंट्रीज एंटिटीज होती है कैलकुलेशन के लिए उनको रखता है. इसमें आपको ये सिम्बल्स भी दे रखे हैं. ठीक है, और ये सेल एड्रेसेस इस टाइप से C9B14, इट मीन्स रो और कॉलम्स को कम्प्लीटली आपको बताया जा चुका पहले से. ठीक है, तो फार्मूला जो कंटेंट्स में जो फंक्शंस करते हैं उनमें ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है, तो वर्ड में अगर हमें कोई भी डिफरेंस निकालना टू वैल्यूज़ का, तो V9 और A9 का, तो हम लोग क्या करेंगे, वी राइट इन द इक्वल साइन, इक्वल साइन V9 एंड माइनस A9, दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए. ठीक है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो फार्मूला क्या होगा, इक्वल साइन V15 × 5. इस टाइप से हमें इनका यूज़ किया जाता है, इसका मतलब हुआ जो 5 है वो डिवाइड बाई किसी हो रहा है 15, P15 में जो वैल्यूज़ दे रखी उसको.
फाइव से हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं, जो 15 रो पर और बी कॉलम पर जो हमारा एड्रेस लगा उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इस तरह से फार्मूला का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शन के साथ करते बोला करते हैं, और सिंपली रूप से भी हम फार्मूला में इनका भी यूज़ कर सकते हैं, जो विदाउट आपके सेल रेंज के टाइप से भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं फार्मूला बार में जाके, किसी भी फंक्शन को ना लगा करके। इस टाइप से बहुत सारी वेरिएशन देख रखे हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो भी एंट्रीज होती है वो फार्मूला में सेम इनटू द रेंज रेंज सेल होती है। वाई द सेलेक्टिंग द रेंज फर्स्ट टाइपिंग द फार्मूला, पहले फार्मूला का टाइप करेंगे, देन द प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड भी होता है, यहाँ पर ये आपको दे रखा है, इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंटर द सेम फार्मूला इनटू रेंज ऑफ सेल वाई द सेलेक्टिंग द रेंज फर्स्ट टाइपिंग द फार्मूला एंड देन प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, इसके साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट, फिल द रेंज ऑफ एंड ऑटो इनपुट, कभी कभी ऑटो इनपुट फंक्शन भी होता है, तो वहाँ पर हमें वाई ड्रैगिंग द फिल हैंडल के द्वारा ड्रैग करके हम यूज़ कर सकते हैं, या वाई यूजिंग द सीरीज कमांड, कुछ हमारा ऑप्शन क्या होता है, सीरीज कमांड के द्वारा भी होता है, इसका हम वाई ड्रैगिंग माउस से कर सकते हैं या सीरीज कमांड से, इसमें फाइल पे क्लिक करेंगे फिल ऑप्शन होगा, सीरीज कमांड होगा, वहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिल हैंडल में क्या होता है, फिल हैंडल था स्मॉल ब्लैक स्क्वायर होता है, ये ब्लैक स्क्वायर होता है, बताया गया था आपको, स्क्वायर होता है जो कॉर्नर होते हैं सेलेक्शन, वहाँ से उसको करते हैं, इसको फिल करने के लिए फिल हैंडल्स का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर ये ऑप्शन को दे रखे हैं ड्रैग करने के लिए, इस टाइप से हम इसको ट्रैकिंग ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पर दे रखा था फिल हैंडल्स एंड माउस पॉइंटर्स, फिल हैंडल वाला बॉक्स है और ये आपका क्या है, माउस पॉइंटर्स, इसको ड्रैग कर रहे हैं, ये कॉर्नर पे एरो बनता है वहाँ से ड्रैग करते हैं। नाउ नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेनू कंटेंट द होल्ड डाउन द राइट माउस क्लिक, राइट माउस क्लिक के काउंट करके और ड्रग्स को ड्रैग कर देते हैं। फिलिंग द ड्रैगिंग फिल हैंडल्स, ड्रैगिंग फिल हैंडल्स करने के लिए हमारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उसको हम ड्रैगिंग करते हैं सेलेक्ट करके, पहले हम सेवरल टाइप्स ऑफ जो भी हमारा सीरीज होती है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉपिंग डाटा फाइल्स, कॉपिंग डाटा विद इन ए रो एंड कॉलम, कॉपिंग डाटा की कॉपिंग करनी है विद इन ए रो, एक रो और कॉलम के साथ, क्योंकि रो को भी अटेंड करना है और कॉलम को भी अटेंड करना है, तो हम उसको कैसे करते हैं, अगर सेलेक्ट पहले हम किस सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करने का मतलब रो और कॉलम दोनों ही होंगे, क्योंकि सेल और ब्रेंज के अंदर कॉलम और रो दोनों इंक्लूड हो जाती है, यहाँ पर ही आपको दे रखा है। तो कॉपिंग द डाटा यूजिंग वही फिल हैंडल के द्वारा हम उसको क्लिक करके उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिल ऑफ द रेंज होता है वो ड्रैगिंग द थ्रू द रो फिल हैंडल्स के द्वारा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन बोलते हैं, ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन होता है, इसको फिल एंड रेंज के द्वारा करते हैं। नाउ नेक्स्ट, आपका एक्सटेंडिंग द सीरीज को, क्योंकि यदि आप चाहते हैं किसी भी सीरीज को फिल, उसकी वैल्यू को फिल करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड करते हैं सीरीज ऑफ द ड्रैगिंग फिल हैंडल से, या सेलेक्ट द फर्स्ट सेल, सबसे पहले हमारे ऑप्शंस क्या होंगे, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा किसको, सेलेक्ट द फर्स्ट सेल को, रेंज फर्स्ट सेल रेंज को सेलेक्ट किया, देन एंटर द स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ सीरीज जो भी हो गया उसका यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट, जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट ऑफ द सीरीज का स्पेसिफाइड अमाउंट उसका बढ़ाना है, उसका साइज कुछ बड़ा करना है, तो ये हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर टू डिफरेंस निकालने पड़ते हैं, जो टू स्टार्टिंग पॉइंट आइटम्स होते हैं उनको अमाउंट हो उसको सीरीज इंक्रीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद सेलेक्ट द सेल ऑफ सेल्स, किसी भी सेल को या मोर देन वन सेल है तो सेल्स हो जाए उसको स्टार्टिंग वैल्यू से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिल हैंडल वन टू फिल, जिसको फिल करना चाहते हैं, फिल द इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी हम ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं उस टाइप्स को हम वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इंक्रीजिंग में करना हो या डिक्रीजिंग में करना हो, ठीक है। और नेक्स्ट, यहाँ पर देखो ये दे रखा है सेलेक्शन ऑफ द एक्सटेंडिंग सीरीज को दे रखा है, यहाँ पर देखिए इनिटियल सेक्शन है और ये आपका एक्सटर्नल सेलेक्ट सीरीज है, इसको हमें सेलेक्ट करके यूज़ किया कराया गया है, तो यहाँ से हमने ये इस टाइप से सेलेक्ट किया, ये अलग अलग पोर्शन बन जाते हैं इनके, टू पोर्शन में, यहाँ पर कॉपी यूजिंग द फिल हैंडल, यहाँ से हमने कॉपी किया सेलेक्ट किया यहाँ पर इस तरीके से, और इसको यहाँ डा करके जहाँ हमें कॉपी करना था वहाँ पर उसको ला करके वहाँ पर फिल कर देंगे, और हमारा सीरीज जो फिल होगी वो एक्सटेंशन या यूजिंग फिल हैंडल के द्वारा वो कंप्रेस करके वहाँ पर उसको फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑटो इनपुट का भी यूज़ होता है, तो ऑटो इनपुट जो सेल होता है वो सेल कंटेंट को मैं ऑटो इनपुट करना हो, ठीक है, टर्न द ऑटो इनपुट ऑन ऑफ सिस्टम्स में होता है, तो अगर हम सेल कंटेंट्स को मेनू में टूल्स मेनू में जाएंगे, गो टू द टूल्स मेनू,
इसके लिए हमारा टूल्स मेनू जो होता है उस टूल में जाएंगे और वहाँ सेल कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, उसमें ऑटो इनपुट बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे या ऑटोमेट को स्टैंडर्ड टूल बार में जाकर करेंगे, ऑटोमेट ऑप्शन होगा वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं और हमारा ऑटो इनपुट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये इंडिकेट हो रहा है इस टाइप से। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारा कमांड जो टूल्स मेनू में सेल कंटेंट्स होता है इसमें ऑटो इनपुट होता है, ये क्या करता है ऑटो इनपुट को ऑन ऑफ सिस्टम होता है इसमें, तो इसमें एक्ट होता है रिमूव द चेक द मार्क इन फ्रंट, ये ऑटो इनपुट में रिमूव भी करने के लिए अवेलेबल, क्योंकि दोनों ही फंक्शन होते हैं इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट, नेमिंग ए रेंज, किसी भी हमें ऊपर ऑफिस डालकाल के अंदर फैसिलिटी होती है हमें उसमें नेमिंग करनी, किसी रेंज के अंदर नेम लिखना हो, ठीक है, सेलो ने न्यूमेरिक के वैल्यू के साथ साथ नेम का यूज़ करना है, ठीक है। यदि मैंने रोल नंबर नेम और ग्रेड लगा रखा है जैसे कोई टेबल बना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट द रो जो हमारी रेंज ऑफ सेल होती है, क्योंकि हमें सबसे पहले उसी को सेलेक्ट करना होता है। जब हम सेलेक्ट करेंगे विदाउट सेलेक्शन हमारा कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, तो सेलेक्ट द रेंज टू बी नेम करने के लिए, उसके बाद टाइप द नेम, नेम टाइप कर दिया और सेलेक्टेड रेंज होगी तो वो नेम बॉक्स में जाकर के वहाँ पर हम नेम को लिख देंगे जो भी हमें इंडिकेट कराना है, और इंडिकेट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट ऑप्शन, क्योंकि अल्टरनेट सिस्टम्स में हम इंसर्ट करा रहे हैं, इंसर्ट नेम्स और डिफाइन, डिफाइन कमांड होता है तो वो डिफाइन कमांड के लिए जो ऐड करता है क्लिकिंग बटन, वहाँ पर ऐड बटन होगा उसके ऐड करने के लिए देखिए ये सारे फंक्शन यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। इधर आपका ग्रेडिंग सिस्टम ये नेम्स बॉक्स में है, या इनको इस टाइप से उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है एडिटिंग डाटा, जो डाटा हमारा होता है उसकी हमें एडिटिंग करनी होती है, तो गो टू द सेल, जो एडिट सेल होता है उस पर हम ओवर राइटिंग करते हैं इस पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल, सेलेक्ट द सेल यू वांट टू द सेल, इस सेल के हम एडिट करना चाहते हैं उसको हम सेल को सेलेक्ट करेंगे और टाइप इन द न्यू कंटेंट, उसमें न्यू कंटेंट को टाइप करेंगे और न्यू कंटेंट टाइप करने के बाद फिर उसमें क्या करेंगे हिट द एंटर की, इंटर की हिट करेंगे कीबोर्ड से या क्लिक द एंटर बटन्स को करेंगे इन द फार्मूला बार पर जाकर के माउस की, ठीक है, उससे मानी क्या होगा एडिटिंग की, जिसको हम एडिटिंग करना है उस सेल पॉइंटर पर जाएंगे और आपकी एडिटिंग से एडिटिंग सेल कंटेंट्स, ठीक है, हमें किसी भी सेल कंटेंट्स को एडिट करना है, कोई भी हमारा सेल है उसके अंदर के कंटेंट को एडिट करना है, तो क्योंकि ये माइनर करेक्शन जो हमें माइनर करेक्शन करना होता है, ठीक है, तो एक एक स्पेलिंग्स कहीं में मिस्टेक्स होती है, उसके लिए गो टू द सेलेक्ट द सेल, सेल पर जाएंगे जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। आफ्टर टू एडिट द कंटेंट्स आइदर क्लिक द फार्मूला बार बजाय अदरवाइज हम प्रेस F2 फंक्शन की जो होती है वहाँ पर अल्टरनेटिव उसका भी शॉर्टकट से यूज़ कर सकते हैं और उस सेल को जो भी हमारा सेल उसको एडिट करते हैं, बाद में एडिट द सेल हमारा एडिट सेल हो जाता है एंड प्रेस एंटर की टू क्लिक एंटर बटन ऑन द फार्मूला बार, वहाँ फार्मूला बार पे जाकर के हम उसको या तो एंटर की कीबोर्ड से करें अदरवाइज हम फार्मूला बार पे जाकर के माउस क्लिक को क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ से हमारा एंटर जो भी एडिटिंग होती है उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इरेजिंग, इरेजिंग या क्लियरिंग रेंज और डिलीटिंग कंटेंट्स, हमें कभी कभी आवश्यकता होती है किसी भी रेंज किसी सेल के अंदर के डाटा को क्लियर करने की या इरेज करने की, ठीक है, उसके कंटेंट्स को भी इरेज करना हो, तो डिलीट ऑल करने से क्या होता है सारा डाटा होता है एक बार में डिलीट हो जाता है, लेकिन अगर हमें कुछ अपना पोर्शन क्लिक करते हैं उसके लिए गो टू द सेलेक्ट द सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या करना पड़ेगा जो सेल रेंज में जाएंगे और सेलेक्ट द सेल्स रो और कॉलम यू वांट टू क्लियर, किस रो को उस सेल पर जाएंगे, किस रो और कॉलम पर हमें उसको करना है उस वाले सेल पर जाएंगे, वहाँ से फिर हम क्या करेंगे ऑन द एडिट मेन्यू में जाकर के प्रिंट द पॉइंट द डिलीट कंटेंट, डिलीट कंटेंट्स होगा तो वो क्या करेगा तो उसके अंदर का कंटेंट उसको डिलीट करेगा, सेल्स आपका बना रहेगा क्योंकि हमें इरेज सिर्फ आपको क्या करना है रो के अंदर के कंटेंट को करना है, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल करना है, टेक्स्ट करना है, नंबर को करना है, डेट एंड टाइम करना है, तो कुछ ऑप्शन भी होते हैं कंटेंट्स डायलॉग्स में, कुछ ये ऑप्शन भी आपके इंडिकेट होते हैं वहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को हमें वो करना है। डिलीट कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स में ये कुछ आपके ऑप्शन जैसे डिलीट ऑल है, तो डिलीट ऑल ऑल जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है डिलीट ऑल कंटेंट्स फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल रेंज में से कर देता है। टेक्स्ट को करना है तो डिलीट टेक्स्ट अगर को हमें करना है तो टेक्स्ट करेंगे, नंबर्स को करना है तो हम डिलीट नंबर्स का यूज़ करना है तो हम नंबर वाले ऑप्शन को, डेट टाइम को करना है तो डिलीट द डेट एंड टाइम वैल्यूज कर लेंगे, ठीक है, और फार्मूलाज करना है डिलीट द फार्मूला, कोई फार्मूला हमने इक्वेशन लिखी उसको डिलीट करना है, ठीक है, कभी हमें नोट्स जो हमने ऐड किए उनको डिलीट करना है, तो जो भी हम सेलेक्ट पोर्शन करेंगे वो उसके बाद डिलीट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फॉर्मेट कोई भी हमने फॉर्मेट तैयार किया था किसी का फॉर्मेट एट्रीब्यूट वहाँ पर जो अप्लाइड किया था उसको
अनचेंज कराना है तो वहाँ डिलीट ऑप्शन का क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे भी है उसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर डिलीट कंटेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ पर अपना फंक्शन एक्टिवेट करेगा। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन विद डाटा। डाटा के अंदर हमारा जो कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन होता है सेम एज राइटर की तरह होता है। राइटर में क्या होता है, टेक्स्ट को जो हमारा टेक्सचुअल वर्क एरिया होता है वहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट लिखा रहता है डॉक्यूमेंट के अंदर वो उसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम सेल के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट्स होता है, तो कट कॉपी पेस्ट का ही कॉम्बिनेशन है। कट अगर हमें मूव कराना है तो कट करेंगे, दूसरी प्लेस पर हम जाकर के पेस्ट करेंगे इट मीन्स, और हमें डुप्लीकेट तैयार करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी द सेलेक्टेड सेल कंटेंट, आफ्टर दैट पेस्ट द एनी अदर सेल्स, देन प्रेस कंट्रोल वी या पेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉर्मेट बिन, वो एडिट बिन। कॉपिंग रेंज, सपोज हमें कॉपिंग रेंज का करना है तो कॉपिंग रेंज करने के लिए हमारा कॉपी पेस्ट का यूज होता है, तो कॉपिंग डाटा यूजिंग कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन करके सेलेक्ट द सोर्स रेंज, जो भी सोर्स रेंज है इसका ही हम कॉपी करना चाहते हैं, जिसकी हम डुप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं। जब हम किसी का डुप्लीकेशन तैयार करेंगे तभी हम कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं, तो सेलेक्ट द सोर्स रेंज कर लिया, उसके बाद रेंज टू बी कॉपी जिसका कॉपी करना चाहते हैं, आफ्टर सेलेक्ट द सोर्स रेंज देन क्लिक ऑन कॉपी, कॉपी ऑप्शन, कॉपी बटन, शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस सी। आफ्टर दैट गो टू द अनदर प्लेस जहाँ पर हमें डिजायर प्लेस जहाँ पर उसको डुप्लीकेट तैयार करना है, डेस्टिनेशन प्लेस पर जाएंगे वहाँ पर जाकर के गो टू द एडिट मेनू एंड क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन या पेस्ट बटन या अदरवाइज कंट्रोल प्लस वी। आफ्टर दैट मेक ए डुप्लीकेट स्टेप्स, यानी कि सेलेक्ट द रेंज करेंगे उसके बाद कॉपी कर लिया और पेस्ट कमांड एडिट के यूज के साथ यूज करेंगे, तो ये ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। पेस्ट ऑप्शन जो कॉल के अंदर अवेलेबल होते हैं जो भी एडिट मेनू वहाँ पर क्लिपबोर्ड में जाकर के वहाँ से पेस्ट ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। कंट्रोल्स वी का यूज कर सकते हैं मूविंग रेंज, किसी भी कंटेंट में जो के अंदर लिखा हुआ उसको मूव कराना, तो मूविंग के लिए भी हमारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें मूविंग जो भी हम बिल्कुल इसका सिमिलर जो कॉपिंग वाला फंक्शन होता है बिल्कुल सेम एज सिमिलर टू द कॉपी पेस्ट फंक्शन होता है, बट डिफरेंट बिटवीन कॉपी पेस्ट से आपका क्या होता है बोथ सिचुएशन में, यानी मीन्स आपका जो डेस्टिनेशन प्लेसेस होगा सोर्स प्लेसेस होगा दोनों प्लेस पर आपकी वही कंटेंट्स होगा, बट मूविंग में क्या होगा जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो बिगिनिंग पॉइंट होगा जहाँ से आपने कट किया था वहाँ पर आपका क्या होगा रिमूव हो जाएगा एंड अनदर प्लेस पर आपका डाटा है वो डिस्प्ले होगा, तो वही प्रोसेस फिर स्टार्ट करते हैं मूविंग के लिए। गो टू द फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने का सेलेक्ट द सोर्स रेंज, जो भी सोर्स रेंज उसको मूव कराना चाहते हैं एंड सेलेक्ट, आफ्टर सेलेक्टिंग द रेंज मूव द आइदर क्लिक बटन पर जाइए, अदरवाइज स्टैंडर्ड टूल बार में आप जा सकते हैं या सेलेक्ट द कट कमांड एडिट मेनू से, अदरवाइज कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करेंगे इससे हमारा कट ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट द मूवमेंट ट्यूब, जब हमारा सेलेक्ट कहाँ पर मूवमेंट कराना चाहते हैं डिजायर्ड प्लेस वहाँ पर जाकर के हम प्रेस कंट्रोल प्लस वी अदरवाइज पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, तुम्हारा डाटा है वो मूव हो गया उस स्टार्टिंग पॉइंट से हट जाएगा और नेक्स्ट अनदर प्लेस पर वो फिक्स हो जाएगा। इसी टाइप से आपका मूविंग डाटा यूजिंग द कट कॉपी, मूविंग डाटा जो आपका उसका यूज क्लियर हो जाता है कट कॉपी कमांड के द्वारा। नेक्स्ट आता है वर्किंग विथ फार्मूला एंड फंक्शंस, वर्किंग विथ फार्मूला एंड फंक्शंस, तो वर्किंग विथ फार्मूला फंक्शंस में भी आपके कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स फंक्शन फार्मूला वार में इनका फंक्शंस के साथ एक इक्वेशन बनाई जाती है और फार्मूला विद इन द स्टार्ट इन इक्वल साइन, इक्वल साइन आपको होता है उससे कोई भी एंट्रीज का यूज़ करते हैं किसी वर्कशीट में, तो सेल्स उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वल साइन, उसके बाद हमारा होता है फंक्शन नेम, फिर आपका सेल रेंज होता है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके फंक्शंस में दे रखा है जिसमें फंक्शंस का यूज़ करते हैं,
फंक्शंस में अलग अलग उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं टू वैल्यूज़, क्योंकि हम जब कोई भी कैलकुलेशन फंक्शन करते हैं वहाँ पर उनको वैल्यूज़ को इंडिकेट करते हैं। तो सेल रेंज में सपोज हमें किसी भी हमारी सीट पर, मान लीजिए हमको फोर्थ कॉलम और फिफ्थ रो पर जाना है, ठीक है, और जब उसको यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, D5 उसका सेल रेफरेंस हो गया, और अगर मैं सेल रेंज उसी पे जाना है तो वो उसका भी यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू को फंक्शन के साथ यूज़ करने के लिए यूजिंग द ऑपरेटर्स, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस ये सारे इन सभी का यूज़ किया जाता है। तो यूजिंग द ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस विद इन द फार्मूला, क्योंकि ऑपरेटर्स और फंक्शंस ये दोनों फार्मूला के साथ यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि फार्मूलाज होते हैं उनका यूज़ इनके साथ कर सकते हैं, और फंक्शन जो हमारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके साथ यूज़ करने के लिए मैं डिफरेंट टाइप के जो वर्किंग विद फार्मूला में दे रखा है यूजिंग ऑपरेटर्स हैं फंक्शंस विद इन द फार्मूला, इसमें आपका आता है सेल रेफरेंसिंग। इसमें सेल रेफरेंसिंग में भी आपका ऑपरेटर्स के साथ साथ जो सेल रेफरेंसिंग वर्कशीट के अंदर होती हैं, क्योंकि सेल रेफरेंस में भी देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग, दे आर द थ्री टाइप्स। फर्स्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग, फर्स्ट आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग है, और सेकंड है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, और थर्ड है आपका मिक्स रेफरेंसिंग। तीनों में डिफरेंस जो दिया गया है वो आपका अलग अलग फंक्शन होता है, रिलेटिव एब्सोल्यूटली और मिक्स्ड। रिलेटिव रेफरेंसिंग जो है, रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या करता है, ये आपका सिंपल जो सेंटेंस होते हैं जो फार्मूला के अंदर हम क्रिएट करते हैं, सेल रेफरेंस रेंज द कंटेंट्स आर यूजली बेस्ड ऑन द ओपन पोजिशन, रिलेटिव सेल कंटेनिंग होते हैं वो आपके क्या होते हैं सेल रेफरेंसिंग में, ये रिलेटिव होते हैं। और एब्सोल्यूट्स में क्या होता है, एब्सोल्यूट्स सेल रेफरेंसिंग इसमें वी डू नॉट वांट टू रेफरेंस टू चेंज, कॉपी फार्मूला डिफरेंट सेल्स को चेंज नहीं कर सकते, जिसमें आपका डॉलर साइन का यूज़ किया जाता है। डॉलर साइन आपका विद इन द कॉलम और रो नंबर, जो हमारा कॉलम लेटर्स और रो नंबर होता है उसके पहले इसका यूज़ किया जाता है, तो मिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला इसका जो एब्सोल्यूट रेफरेंस में है, से रिलेटिव में आपका सिंबल हो गया इक्वल C5 कॉलन साइन और D5, ठीक है। ये एग्जांपल किसके हो गया सिंटैक्स आपका रिलेटिव का। एब्सोल्यूट में क्या होगा, इक्वल $D $6, ये आपका इस टाइप से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होगा। इसी टाइप से थर्ड आपका आता है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। तो मिक्स सेल रेफरेंसिंग है, यहाँ पर इंडिकेट किए गए सारे ये इनमें देख सकते हैं आप इसको किस टाइप से इसको इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर ये दिया गया, ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस है, इसमें ये इंडिकेट किए गए कॉल डॉलर और इसका यूज़ किया गया ये पर। नेक्स्ट आपका आता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग में यहाँ पर हम लोग जो कॉलम के साथ होता है, एक मिक्स्ड में हम लोग रिलेटिव का भी यूज़ करेंगे और एब्सोल्यूट का भी यूज़ करेंगे। तो एब्सोल्यूट में हम लोग जो एक रिलेटिव रहेगा, दूसरा आपका पोजिशन सेल रेंज का होगा वो होगा आपका एब्सोल्यूट्स में होगा, तो इसलिए इसको मिक्स्ड रेफरेंसेस बोलते हैं। इसमें आप कॉलम्स के साथ अगर डॉलर का लगाएंगे या हम लोग उसका जो रोज नंबर होती है रोज नंबर के साथ लगाएंगे, कॉलम एल लेटर होता है लेटर से पहले लगाएंगे, अदरवाइज उसका जो नंबर्स होते हैं रो नंबर होते हैं उसके साथ यूज़ करते हैं। तो ये आपके देर आर द डिफरेंट टाइप्स के सेल रेफरेंस होते हैं जो अलग अलग इनका यूजेज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सारी टेबल्स से रखी हैं, जो यहाँ पर सेल्समैन में क्वांटिटीज क्वांटिटी टू क्वांटिटी थ्री इस टाइप से ये टेबल क्रिएशन किया गया, इसमें आपको परसेंटेज फाइंड आउट किया गया। तो इस टाइप से हम जब इसके टेबल्स को क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर पोजिशन दे रखा है, कंटेंट फार्मूला दे रखा है B=C3+C3+D3+E3। तो ये सब क्या है, ये इंडिकेट इनको कर रहे हैं, ये सिंपल रूप से हमने इनका यूज़ कर दिया है, ठीक है। सेल रेंज में इसी को हम अगर एक ही रो में करते हैं तो क्या करते हैं, G4 G6 ये यहाँ पर कॉलन साइन का यूज़ बताया गया था उसका यूज़ करते हैं। अलग अलग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ये दे रखे, इनको थोड़ा चेक कर लें और एक बार इसको प्रैक्टिकली रूप से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं।
तो इसमें कुछ आपका और भी फंक्शंस होते हैं, ये टॉपिक आपका सब लोग इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके जो फंक्शंस हैं उनका यूज़ किया जाता है। क्योंकि एंट्रिंग डाटा में फार्मूलाज के बारे में आपको रेफरेंसिंग क्लियर करा दिया, देयर आर थ्री टाइप्स में, अब उसका फंक्शंस के बारे में डिस्कस जब करेंगे तो आप लोग नेक्स्ट डे इसका जो रिमेनिंग पार्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स, हैव ए गुड डे।